एक शख्स थे, मजजूब थे। मजजूब समझते हैं? मजजूब उसको कहते हैं कि अल्लाह के की मोहब्बत में, इश्क हक में उसकी अक्ल गुम हो जाती। इश्क हक में उसकी अक्ल गुम हो जाती है तो लोग उसको पागल समझते हैं, हालांकि वो पागल होता नहीं है। वो पागल नहीं होता, पागल दिखता है, पागल होता नहीं। बातें ऐसी करता है कि अकलमंद भी ना कर सके। एक मजजूब थे हजरत बहलूल दाना। अभी मैं जो बात कर रहा था, अचानक बात याद आई तो मैं इस तरफ आ गया, मैं उस तरफ जाऊंगा जिधर ले जाना है, शुक्र की तरफ। लेकिन उससे पहले उनवान ही से मुतालिक बात याद। बहलूल दाना ये भी मजजूब थे, पागल नजर आते थे, दीवान लोग इनको पत्थर मारते, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा इनके पास जाकर बैठा करते। गौर करें, इतना बड़ा इमाम जिसके पास जाकर के बैठे वो दीवाना बहलूल, और ऐसी बातें करते थे कि अकलमंद की भी दिमाग की बत्तियां खुल जाएं। एक मर्तबा हारून रशीद नजर आ गए तो हारून रशीद को बहलूल ने कहा, बड़ा घमंड मत किया कर सल्तनत पर। उनवानी से मुतालिक बात आ गई। हारून रशीद को बहलूल दाना, बहुत गुरूर है तुझे, घमंड है सल्तनत पर, तेरी सल्तनत तो एक गिलास पानी की हैसियत रखती है मेरे लिए, एक गिलास पानी तेरी सल्तनत। आप भी जरा सुन लें, आपको भी अगर आपकी फैक्ट्रियों पर और सेहत पर और अगर घमंड और अल्लाह को भूल चुके हैं वो लोग, तो मेरी गुजारिश है, हारून रशीद तो मशरिक़ और मगरिब का बादशाह था, लेकिन बहलूल ने उसको झिंझोड़ दिया, बहुत घमंड ना किया कर, एक गिलास पानी की ज्यादा तेरी सल्तनत की कोई हैसियत उसियत नहीं है। उसने हंस दिया, कहा दीवाना है कुछ भी बोलता है, दीवाना है कुछ भी बोलता है। कहा बाबा ये बताएं कि मेरी सल्तनत की हैसियत एक गिलास पानी कब से हो गई। अब देखो दाना, वो दीवाना कैसा दाना था जिसे दुनिया बहलूल कहती। बहलूल फरमाते हैं, हारून रशीद सुना है तू हज को जा रहा है। जी जा रहे हैं। हारून रशीद वो आदमी था, एक बार उसने कसम खा ली, क्या करो फर रहा होगा उस शख्स का, एक बार कसम खा ली कि मैं पैदल हज करूंगा, कसम खाई पैदल हज करूंगा। तो उसके मानने वालों ने, उसके वजीरों ने, अमीरों ने सोचा बादशाह पैदल हज करेगा तो उसके पैरों का क्या होगा। तो बगदाद से लेकर मक्का तक पूरे रास्ते में कालीन बिछाई गई थी। आप समझते हैं ये इन लोगों का कर्रो फर था, ये इनके शान थी, शाने थी इन लोगों की। लेकिन आपसे ये भी कहना चाहता हूं, जिसके लिए बगदाद से हरम तक की कालीन बिछाई गई थी, जो बादशाह पैदल हज को गया था, आज उसकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं। दुनिया है। हुजूर मुहद्दिस आजम इन अलैहि रहमत को कहते हैं, हर कमाल राह जवालो, हर जवाल राह कमाल। ये है, उसकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं। मगर वो मूसा काजिम जिनकी हाथों में हटकड़ियां डालकर और पैरों में बेड़ियां डालकर मदीने से बगदाद तक पैदल लाया गया था जलील करने की नीयत से, आज 24 घंटे में एक सेकंड ऐसा नहीं आता कि उनका हरम कभी खाली नजर आए। ये है, ये असलियत ये है, अल्लाह वालों की शान है ये। जाके देख लो इमाम मूसा काजिम, वही बगदाद है, वही बगदाद है, लेकिन आज उनका आस्ताना हजारों की तादाद, बल्कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कौल मशहूर है कि आप फरमाया करते थे कि जो मूसा का इमाम मूसा काजिम की चौखट पे पेशानी रगड़ दे, अल्लाह उसकी बदबख्ती का खात्मा कर देता, फिर उसकी बदबख्ती नहीं रह जाती। तो बात अब दूर ना निकलती जाए, मैं अपनी बात समेट लूँ क्योंकि अब वक्त पर बात ख़त्म करनी है, टाइम करीबुल ख़त्म है। के बहलूल ने फरमाया, एक गिलास पानी से ज्यादा तेरी हुकूमत की हैसियत नहीं है। हारून रशीद कह दिया, बाबा आखिर गिलास भर पानी और मेरी हुकूमत, शर्क से लेके गर्भ तक मेरी हुकूमत है। तो बहलूल सरकार फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, हारून सुना है तू हज को जा, ये वो पैदल वाले हज की बात नहीं, उससे पहले की बात, सुना है तू हज को जा, तेरे साथ बहुत मानने वाले हैं, अचानक तू भटक जाए, पानी और अनाज कुछ ना हो, और रास्ता भटकने की वजह से तू पानी के लिए तड़प रहा हो प्यास की शिद्दत से,
और तेरे पास पीने को पानी नहीं है और करीबुल मर्ग हो, तुम मरने के करीब हो, उस वक्त तो कोई तेरे सरहाने आकर कहे कि हारून हम तुझे एक गिलास पानी पिलाएंगे, लेकिन आधी सल्तनत देनी पड़ेगी, बोलो दोगे कि नहीं दोगे। हारून ने मुस्कुरा के कहा बाबा बिल्कुल देंगे, क्योंकि जान है तो जहान है भाई, एक गिलास पानी पी के आधी सल्तनत दे देंगे, क्योंकि जिंदा रहे तो सल्तनत रहेगी, मर जाएंगे तो वो आधी भी कहाँ रहेगी, तो एक गिलास पानी के लिए हम आधी सल्तनत दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे बाबा साहब। तो आपने फरमाया, फिर वो पानी पी लिया एक गिलास, फिर पेशाब जोर की लगी, पेशाब तो लगी जोर की लेकिन निकलती बाहर नहीं, और तू तड़पने लगे पेशाब ना निकलने की वजह से। उस वक्त तो कोई आकर कहे मेरे पास ऐसी दवाई है, अगर एक चुटकी तुझे खिला दूं तो अभी पेशाब हो जाए, लेकिन उसके बदले में तुम्हें आधी सल्तनत देनी पड़ेगी, तो बोलो दोगे कि नहीं दोगे। तो कहा बिल्कुल पेशाब से निजात के लिए, उस दर्द से निजात के लिए दे देंगे आधी सल्तनत। तो कहा कि पानी ना मिला तो आधी सल्तनत पानी के लिए दे दी, और जब गिलास भर पी लिया ना निकला तो आधी सल्तनत निकालने के लिए दे दी। तो जिसकी जिसकी सल्तनत की हैसियत एक गिलास पानी किसी हो, उसको गुरूर करना जेब देता है। हारून रशीद धाड़े मार मार कर रोने लगे, क्या नसीहत थी, अब मुझे बताओ ये मकान, ये दुकान, ये कारोबार जो घमंड करके खुदा से दूर हो, अल्लाह से दूर हो, मस्जिदों से दूर हो, खुदा की इबादत से दूर हो, क्या मुंह लेकर जाओगे अल्लाह की बारगाह में। इसलिए खुदा के शुक्रगुजार बंदे बनो। और फिर कहता हूं शुक्रगुजार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह के छुट्टी पाओ, नहीं, अमल भी खुदा का शुक्र अदा करे। सेहत दी है खुदा ने तो सेहत को उसकी इबादत में लगाओ, उसकी इबादत में सर्फ करो। बल्कि एक बात आपको बताऊं, क्या और प्यारी बात याद आई, सैयदु ताइफा जुनैद बगदादी ने देखा कि एक बुड्ढा है जो बगदाद में भीख मांग रहा है, कोई उसको भीख भी नहीं देता, तो सैयदु ताइफा जुनैद बगदादी कहते हैं देख लो ना शुक्रे का अंजाम, खुदा ने इसको जवानी में दौलत दी थी, इसने खुदा की नाफरमानी की, तो कैसा दर्दनाक बुढ़ापा आया कि कोई इसको भीख देने के लिए भी तैयार नहीं है। और एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, 100 साल से भी उम्र तजावुज कर गई थी, फिर भी खड़े होकर नमाज पढ़ते थे और जवानों की तरह फिट थे। तो लोगों ने कहा आप अभी तक फिट है, कहा मैंने सेहत पाने के बाद खुदा की नाफरमानी नहीं की, अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे में भी जवानी अता फरमाई, ताकत और कुव्वत अता फरमाई। तो बात अर्ज कर रहा था, शुक्र वालों को हमेशा नेमत मिलती है। एक मरतबा एक मज़ूब की बात चल रही थी, फिर हज़रत बहलूल का जिक्र निकला, एक मज़ूब थे अपनी धुन में। फिर कह रहा हूँ हर मज़ूब पागल दिखता है मगर पागल होता नहीं, और हर पागल मज़ूब नहीं होता। और एक नसीहत भी अर्ज करता हूँ जो बुज़ुर्गों से सुनी है, मज़ूबों के पीछे ना भागा करो, उनके पास ना जाया करो, इसलिए कि उनके पास जाने से फ़ायदा कम है नुकसान ज़्यादा है। मैं आजकल नौजवान छोकरों को देख रहा हूँ, उनका ज़ौक है, वो सोचते हैं कि कोई मज़ूब का पता बता दें वहाँ जाके बैठेंगे हम भी वली बन जाएंगे, ऐसे मज़ूबों के पास बैठकर विलायत नहीं मिलती, वो तो कहीं और मस्त है। और पहली बात, मज़ूब लोग से फैज़ कम मिलता है, नुकसान ज़्यादा होने का अंदेशा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हुज़ूर मुफ्ती आज़म के पीर व मुर्शिद सरकार अहमद नूरी का फरमान है, इसलिए मज़ूबों से बचा, क्योंकि मज़ूब अपनी धुन में रहता है, वो कुछ भी बोल दे। एक मरतबा कुछ लोग एक मज़ूब के पास गए, देखा कि सर में जुएं हैं, तो सोचा बाबा की मोहब्बत में जुएं निकाली मारी, तो मज़ूब ने कहा अल्लाह इसने मेरी जू मार दी, तू इसको मार डाल, ये कहना था वो मर गया। इसलिए जो है, जो कब्रों के अंदर साहिब मज़ार है उनसे फैज लिया करो। लोग मज़ूबों के पास क्यों जाते बताए, हजरत बता देंगे कि आने वाले वक्त में क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसा क्या होता है, वैसा क्या होता है। इसलिए मेरे भाइयों, गौस पाक का दामन पकड़ो, गरीब नवाज का दामन पकड़ो, अल्लाह वालों का दामन पकड़ो, और मज़ूबों के मामलात के अंदर थोड़ा सा मोहतात रहो, क्योंकि उनकी अपनी दुनिया अलग है। लोग आजकल इस चक्कर में पड़े हुए हैं, कहते हैं कि ज़रा तरीकत तरीकत इल्म बातिन तसव्वुफ़, याद रखिए कि ये जो चीज़ें हैं ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है।
और अल्लाह पाक जब किसी को उस काबिल बनाता है तो फिर अता भी कर देता है। कुछ लोग मुझसे कहने लगे कि हजरत बताइए ना कि इसमें आज़म क्या है। मैंने कहा कि आप तो पीएचडी की बात सुनने के लिए केजी के बच्चे के पास आए हो, मुझे खुद को नहीं पता कि इसमें आज़म क्या है, मैं तुम्हें क्या बताऊँगा इसमें आज़म क्या है। इसमें आज़म मैं बता सकूँगा, इसमें आज़म वो है जिसको पढ़ते पढ़ते फरिश्ते पलक के झपकते आसमान पर जाते हैं, पलक के झपकते ज़मीन पर आते हैं। इसमें आज़म पढ़ दो तो जो वो मुर्दा जिंदा हो जाता है, इसमें आजम पढ़ के घूर दो तो जिंदा मुर्दा हो जाता है। इसमें आजम बहुत बड़ी चीज है। तो कहा वो कहां मिलेगा? मैंने कहा मुझे अभी तक नहीं मिला, मैं तो एक छोटा सा तालिबे इल्म हूं, मुझे नहीं मिला। कहा मिलेगा कहां? मैंने कहा वो मिलता नहीं है, जब तू उस काबिल बन जाएगा तो वो तेरे सीने में खुद बखुद डाल दिया जाता है, ऐसे आसान नहीं होता सब। तो अल्लाह की इबादत करो। और एक बात आपसे कहता हूं, अल्लाह को पाने की कोशिश करो यार, सब खुद बखुद मिल जाए। एक क्या चक्कर में पड़े हुए हो, अल्लाह को पा लो सब मिलेगा। और अल्लाह को पाना मुश्किल नहीं है, देखो फिर कह रहा हूं, हर एक को पाना मुश्किल है, रब को पाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो ऐलान कर चुका, जो मेरी तरफ एक बालिश आता है मेरी रहमत उसकी तरफ एक हाथ चल कर जाती है, और जो मेरी तरफ चल कर आता है रहमतें उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। जिसको पाना आसान उसकी तरफ नहीं आते, और जिसको पाना मुश्किल और उसमें लूटने का भी खतरा, पिटने का भी खतरा, बर्बाद होने का भी खतरा, लोगों के ईमान तक चलेगा इस चक्कर में। इसलिए मेरी गुजारिश है कि बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार ना समझो। और असल तसव्वुफ क्या है, मैं आपको यह भी चले बता देता हूं। असल तसव्वुफ सरकार नसीर पाक नसीर मिल्लत व दीन फरमाते हैं, असल तसव्वुफ अल्लाह के बंदों की खिदमत है अल्लाह को राजी करने की नियत से, इससे बड़ा कोई तसव्वुफ नहीं है। बंदों की खिदमत करो, खिदमत खल्क करो, तुमसे बड़ा सूफी कोई नहीं अल्लाह की रजा के लिए। तो जो माँ बाप को दवा के पैसे ना दे और फिर तसव्वुफ के लिए इसकी इधर उधर का चक्कर लगाए, तो क्या तसव्वुफ क्या चीज है? माँ बाप को छोड़कर भी कोई सूफी बनेगा? जो सूफी थे वो भी कदम पकड़ के कहते हम तो दीवाने थे, खुदा को जंगलों में ढूंढ रहे थे, हमें क्या पता कि माँ बाप की दुआ से खुदा मिलता। भाइयों को ईद के कपड़े नहीं मिलते और वो इधर उधर खुद भटक रहे हैं। तो अल्लाह के बंदों खिदमतें खल्क है तसव्वुफ। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बंदों के दिल से होकर के गुजरता है। जो बंदों का दिल खुश करना नहीं जानता वो खुदा तक कभी नहीं पहुंच सकता। तो बात शुक्र की और मजजूब की चल रही थी, आ गई। एक मजजूब थे, अपनी धुन में जा रहे थे, बारिश हुई थी और बारिश ने बड़ा खूबसूरत सा मौसम बना रखा। आप जानते हैं कि जब बारिश होती है तो बड़ा हसीन मौसम बन जाता है, खूबसूरत मौसम बन जाता है। बल्कि जो लोगों की तबीयत में रोमानियत है उनको बारिश से अच्छा कोई मौसम लगता ही नहीं। तो और है वैसा ही, बारिश बड़ा खूबसूरत मौसम है। तो हुआ ये कि वो अपनी धुन में जा रहे थे, एक शख्स ने देखा तो बुलाया बाबा इधर आओ। जब वो उधर गए तशरीफ लेकर के तो उनको गरम गरम दूध पेश किया, गरम दूध पिया, खुदा का शुक्र अदा किया। मजजूब थे, खुदा का शुक्र अदा किया, सच्चे मजजूब। और फिर उसी आसमान की तरफ देखते हुए डोलते हुए चलते चलते अपनी धुन में जा रहे थे कि एक गड़े के अंदर पैर पड़ गया। जैसे ही गड़े में पैर पड़ा छपाक की आवाज़ आई, दो दोस्त उस खूबसूरत से मौसम में बैठकर एक दूसरे के कंधे पे हाथ देकर बातें कर रहे थे। जैसे ही गड़े में पैर गया कीचड़ उड़ा, छपाक की आवाज़ आई और एक दोस्त के सफ़ेद कपड़ों पे जाके पड़ा और पूरे कपड़ों का नक्शा बिगाड़ दिया। कपड़ों का नक्शा क्या बिगड़ा? दूसरा दोस्त उठा और उठने के बाद एक जोरदार तमाचा उस मजजूब के गाल पे मारा। मजजूब के गाल पे तमाचा पड़ा, उसने आसमान की तरफ देख के कहा तेरी भी क्या शान है, कहीं दूध पिलाता है कहीं मार खिलाता है, बहरहाल तेरा शुक्र है, पिलाया भी तो तेरा शुक्र, मार खिलाया तो भी तेरा शुक्र, मैं बंदा हूं, बंदे की मर्जी के, यार ना चाहे तो कौन मारे। देखो ये शुक्र है, मार खाकर भी शुक्र है, मार खा कर भी शुक्र है। शुक्र वालों ने कैसे शुक्र, लेकिन फिर उस शुक्र पर इनाम क्या है? इधर शुक्र अदा किया, मर्जी आपकी, दूध पिलाएं या मार खिलाएं मर्जी है। और उसके बाद जब अपनी धुन में आगे चले तो क्या देखा, थोड़ी देर के बाद वो शख्स खून की कुल्लियां करने लगा, खून की उल्टी करने लगा।
खून की उल्टी हो रही, बहुत बड़े बड़े तबीब हकीम बुलाए गए, किसी की दवा असर न की। मरने के करीब आया तो किसी ने कहा, तूने वो पागल को मारा था, उसने आसमान को देख के कुछ कहा था, जा उससे माफ़ी मांग। जैसे तैसे उठा करके लाए, उस दीवाने के पैर पकड़े, कहा बाबा माफ़ कर दो, आपने बद्दुआ की। कहा हम लोग अल्लाह वाले लोग, हमें बद्दुआ से क्या लेना, हमें बद्दुआ से क्या, हमने कोई बद्दुआ नहीं की। तो कहा फिर आसमान की तरफ देख के क्या कहा था, कहा हमने तो यार से अर्ज किया था कि कहीं दूध पिलाते कहीं मार खिलाते हैं, मर्जी आपकी है, हमार खिलाने पे भी शुक्र है, इसलिए कि हम अपनी मर्जी नहीं चलाते, अगर हमारे मार खाने में तू राजी है तो इससे बड़ी हमारे लिए नेमत क्या है। हम नेमत नहीं देखते, हम जहमत नहीं देखते, हम मुसीबत नहीं देखते, राहत नहीं देखते, हम तो देने वाले हाथों को देखा करते। हाथ में क्या है वो नहीं देखते, हाथ में है क्या वो नहीं, हाथ जिसके वो देखते हैं। बस दूध पिलवा दिया शुक्र है, मार खिला दिया शुक्र है, हम तो यार से बातें कर रहे थे, हम तो यार से मुनाजात कर रहे थे, हम तो यार से अर्ज़ो मारूज कर रहे थे। तो अब का मसले का हल क्या, का मसले का हल ये, आपके दोस्त पर कीचड़ उड़ा, आपकी गैरत को गवारा न, वो आपने मुझे मार दिया, तो जब मुझे मारा मेरा भी तो दोस्त है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे यार को जलाल आ गया, फिर उसने तुझे खून की कुल्टियां करवा दी। तो अगर माफी मांगना है तो मेरे यार से मांगो। तो बंदो अल्लाह के, जब शुक्र की मंजिल में कदम रखोगे तो कोई तुम्हें मारेगा, गाली देगा, कुछ भी करेगा, और तुम शुक्र करते रहोगे, तुम बदला नहीं लोगे, बदला अल्लाह लेगा। तो ये बात दूर निकल गई, मुझे और आगे भी पढ़ना है। तो पहली बात, हर हालत में शुक्र। चलिए बात शुक्र की आ गई है तो एक बहुत प्यारी बात और याद आ गई।